गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, अपने सुख बांटो। इस पाठ को पढ़ने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आप कौन कौन से काम करते हो, दूसरों के लिए कुछ करने पर आपको कैसा लगता है, आप साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आपने कभी किसी की मदद की है, कब और कहाँ, घायल जानवर को देख आप क्या करते हो, कोई भूखा आपका टिफिन मांग ले तो आप क्या करोगे। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर या हल आपको स्वयं ही खोजना है। इस पाठ के अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रकृति अपने सुख हमें देती है। इस पाठ में हमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार पेड़ पौधे, फूल, कलियां, पक्षी अपने अपने काम से हम सभी के मन को आनंदित करते हैं, किस प्रकार पृथ्वी अनेक दुखों को सहते हुए भी हमें सुख देती है। इस पाठ के अंतर्गत हमें भी यह सीख दी गई है कि हमें भी अपने सुख सभी के साथ बांटने चाहिए। अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चूंकि यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर दिनेश चमोला। बाग बगीचों में तो देखो लौट आए दिन भोर के, पंछी लौटे पंचम स्वर में गाए कोकिल टोर से। कवि कह रहे हैं कि जब हम बाग बगीचों में देखते हैं तो हमें लगता है कि बोर के दिन लौट आए हैं। बोर का अर्थ होता है आम के फूल। आम के फूल अधिकांश वसंत ऋतु में आते हैं, तो यहाँ इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि जब वसंत ऋतु आती है तो बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर फूल लगने लग जाते हैं। पंछी लौटे पंचम स्वर में, पंचम स्वर अर्थात मधुर मीठी आवाज, जो पंछी होते हैं वो मीठी आवाज में गाने लगते हैं। गाय कोकिल टोर से, कोकिल अर्थात होता है कोयल और टोर का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। कवि कह रहे हैं कि जो कोयल होती है वह भी ऊंचे स्थान पर बैठकर गाने लगती है। कलिया फूली धरती उबी, बन दुल्हन सी झूम उठी, आमों की डाली पर बैठी मधु कोयलिया कूक उठी। उबी का अर्थ होता है उमंग में आना। जब बसंत ऋतु आती है तो कलिया फूल जाती है, अर्थात नई नई कलिया उगने लगती है और धरती भी झूम उठती है। ऐसा लगता है जैसे वह दुल्हन बन गई है। जिस प्रकार दुल्हन मंद ही मंद मुस्काती है, उसी प्रकार धरती भी दुल्हन के समान झूमने लगती है। आमों की डाली पर बैठी मधु कोयलिया कूक उठी, जो कोयल होती है जो आम की डालियों पर बैठी होती है वह भी मधुर आवाज में कूकने लग जाती है। भवरे गाते गुनगुन की धुन, रही तितलियां सपने नितबुन, खुशबू की बोछारों के संग खनके मृदु गीतों की रुंझुन। बच्चों, मृदु का अर्थ होता है कोमल या मधुर और रुंझुन का अर्थ होता है झनकार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में भंवरे भी गुनगुन की धुन करने लग जाते हैं। जो तितलियाँ होती हैं वह भी नित प्रत्येक दिन नए नए सपने बुनने लग जाती है। खुशबू की बोछारों के संग, चारों तरफ खुशनुमा वातावरण हो जाता है, फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है और भंवरे तितलियाँ कोयल जब ये मधुर गीत गाती है तो चारों तरफ झनकार उत्पन्न हो जाती है। धरती के कण कण का कहना, परहित ही जीवन दुख सहना, जीवन का पल पल है गहना, निपट निरर्थक बन क्या रहना। अब इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि धरती का प्रत्येक कण हमसे कहता है कि हमें परहित ही जीवन दुख सहना, हमें परहित करते रहना चाहिए। परहित अर्थात
दूसरों का हित, हमें हमेशा लोगों पर उपकार करते रहने चाहिए, उनके लिए कल्याणकारी कार्य करते रहने चाहिए। दुख सहना, चाहे हमें कितने ही दुख क्यों ना हो, अपने दुखों को सहते हुए हमें लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जीवन का पल पल है गहना, हमें हमारे जीवन के पल पल मतलब प्रत्येक समय को एक गहने की तरह मानना चाहिए और निपट निरर्थक बन क्या रहना, बिना समय बेकार किए हमें कार्य करते रहना चाहिए। धरती का प्रत्येक कण हमें ये सीख दे रहा है कि हमें हमारे जीवन के प्रत्येक समय को दूसरों के हित के लिए लगाना चाहिए, कभी भी हमें हमारा समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हस्ती धरती नित सिखलाती, वीर व्रति बन सहो दुखों को, सब में जी भर भर कर बांटो, अपने लघु या बृहद सुखों को। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि धरती हमें यह सिखलाती है, नित मतलब हमेशा हंसने का कहती है कि हमेशा हंसते रहो, वीर व्रति बन सहो सुखों को, हमें वीर बन जाना चाहिए और अपने दुखों को सह लेना चाहिए। सब में जी भर भर कर बांटो, और प्रत्येक मनुष्य को हमें बांटना चाहिए, क्या बांटना चाहिए, अपने लघु या बृहद सुखों को। यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि धरती हमें यह सिखलाती है कि हमेशा हंसते रहो, हमें कोई दुख हो तब भी हमें हंसते रहना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति में अपने सुखों को हमें बांटना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार इस कविता में कवि ने हमें परोपकार करने की प्रेरणा दी है। जिस प्रकार प्रकृति हम पर उपकार करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने दुखों को सहते हुए दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और अपने दुखों को हमेशा सहते हुए दूसरों के लिए सुखपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए।